बिजनेस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय विनर इंस्टीट्यूट। नमस्कार, मैं भाग्यश्री। बीसीएन न्यूज के बिजनेस समाचार में आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। थोक महंगाई अक्टूबर में 0 से 0.52% नीचे। अक्टूबर में खाद्य पदार्थों की महंगाई घटकर 2.53% पर। अगले हफ्ते आ रहे 4 IPO, 6,600 करोड़ जुटाएंगी कंपनियां। देश की दूसरी बड़ी सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनी BPCL अपने रिटेल फ्यूल नेटवर्क को 2/3 तक बढ़ाने जा रही है। इसके देश भर में और नए 14,273 पेट्रोल पंप खोलने की योजना है। इसके लिए BPCL यानी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने विज्ञापन जारी किया है। कंपनी के डायरेक्टर फाइनेंस VRK गुप्ता ने यह जानकारी दी है। फिलहाल BPCL के लगभग 21,300 पेट्रोल पंप है। ब्यूरो रिपोर्ट, NBC न्यूज। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी SEBI ने अक्टूबर में अपनी ऑनलाइन शिकायत निपटान व्यवस्था स्कोर्स के माध्यम से कंपनियों और बाजार माध्यमों के खिलाफ 3,533 शिकायतों का निपटान किया है। SEBI के आंकड़ों के अनुसार अक्टूबर के अंत तक स्कोर्स पर 3 महीने से अधिक समय से 16 शिकायतें लंबित थी। इनमें SBI म्यूचुअल फंड, UTI म्यूचुअल फंड, JSW स्टील लिमिटेड, वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, सुंदरम म्यूचुअल फंड और तिरुपति फिनकॉम लिमिटेड जैसी 12 इकाइयां शामिल थी। आंकड़ों के अनुसार अक्टूबर की शुरुआत में 5,259 शिकायतें लंबित थी। इसके अलावा 3,369 नई शिकायतें प्राप्त हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, NBC न्यूज। रिटेल के बाद अब थोक महंगाई के मोर्चे पर भी राहत की खबर है। खाद्य पदार्थों में नरमी से अक्टूबर में यह 0 से 0.52% नीचे रही। अक्टूबर में खाद्य पदार्थों की महंगाई घटकर 2.53% पर आ गई है। सितंबर में यह 3.35% थी। थोक मूल्य सूचकांक यानी WPI आधारित मुद्रास्फीति अप्रैल से लगातार 0 से नीचे बनी है। सितंबर में यह 0 से 0.26% नीचे थी। बीते साल अक्टूबर में WPI आधारित मुद्रास्फीति 8.66% थी। वाणिज्य मंत्रालय का कहना है कि अक्टूबर 2023 में महंगाई दर नकारात्मक होने की प्रमुख वजह रसायनों, रसायन आधारित उत्पादों, बिजली, कपड़े, आधार धातु, कागज और कागज उत्पादों की कीमतों में गिरावट है। इससे पहले सोमवार शाम को सामने आए डेटा के अनुसार रिटेल महंगाई अपने 5 महीने के निचले स्तर पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, NBC न्यूज। अमेरिका की लग्जरी इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला भारत से पुर्जों का आयात दोगुना करने की योजना बना रही है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को एक सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी है। कैलिफोर्निया के फ्रेमोंट में टेस्ला के प्लांट का दौरा करने के बाद लिखी पोस्ट में गोयल ने ये भी बताया कि वह टेस्ला प्रमुख इलोन मस्क से नहीं मिल पाए। टेस्ला इस साल भारत से 1.7 से 1.9 अरब डॉलर यानी 14,121 से 15,783 करोड़ रुपए के बीच कीमत के पुर्जे खरीदने का लक्ष्य बना रहे हैं। पिछले साल कंपनी ने 1 अरब डॉलर यानी 8,300 करोड़ रुपए के कंपोनेंट खरीदे थे। बहरहाल गोयल अमेरिका की 4 दिन के दौरे पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, NBC न्यूज। IPO से जुटाए जाने वाले राशि के लिहाज से अगला हफ्ता साल का सबसे व्यस्त सप्ताह रहने वाला है। अगले हफ्ते 4 कंपनियों की IPO आ रहे हैं। इनके जरिए कंपनियों का लक्ष्य शेयर बाजार से 6,600 करोड़ रुपए से ज्यादा पूंजी जुटाने का है। टाटा मोटर्स की सहायक कंपनी टाटा टेक्नोलॉजी 2900 करोड़ रुपए से अधिक का IPO इनमें सबसे बड़ा होगा। टाटा समूह की कोई कंपनी करीब 2 दशकों में पहली बार शेयर बाजार में लिस्ट हो रही है। यह IPO 22 नवंबर को खुलकर 24 तारीख को बंद होगा। इसके अलावा इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी का IPO 21 को खुलेगा। अन्य 2 IPO फेडरल बैंक की NBFC फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज और उपभोक्ता ऑयल मैन्युफैक्चरर गांधार ऑयल रिफाइनरी के आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, NBC न्यूज। खबरें समाप्त करने से पहले आइए डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। थोक महंगाई अक्टूबर में 0 से 0.52% नीचे। अक्टूबर में खाद्य पदार्थों की महंगाई घटकर 2.53% पर। अगले हफ्ते आ रहे 4 IPO, 6,600 करोड़ जुटाएंगी कंपनियां। बिजनेस समाचार में फिलहाल इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए NBC न्यूज़। नमस्कार।